क्लास 2। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 13, जिसका नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स मतलब होता है पत्थर, चट्टान, और मिनरल्स मतलब होता है खनिज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को और जानते हैं रॉक्स और मिनरल्स के बारे में। द आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जो अर्थ का आउटर लेयर है यानी बाहरी लेयर है, वह किससे मिलके बना हुआ है? रॉक से मिलके और मिनरल से मिलके बना हुआ है। रॉक्स कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। रॉक्स जो हैं वह हमें प्रायः हर जगह देखने को मिल जाते हैं। रॉक मतलब हो गया पत्थर, हो गया चट्टान, हो गया, ये हमें प्रायः हर जगह देखने को मिल जाते हैं। जो कंकड़, पत्थर, चट्टान है, उसे आप कहीं भी आसानी से देख सकते हैं। यू कैन फाइंड देम इन प्लेग्राउंड। आप इसे खेल के मैदान, प्लेग्राउंड में देख सकते हैं, पार्क्स में देख सकते हैं, सड़कों पर देख सकते हैं, बिल्डिंग्स में देख सकते हैं, बीच पे देख सकते हैं, समुद्र के किनारे भी देख सकते हैं, माउंटेंस जो दे हैं वो भी, उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी पा सकते हैं। हिल्स जो होते हैं वहाँ भी देख सकते हैं, और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आप रॉक्स को देख सकते हैं। सम रॉक्स आर फाउंड एट बॉटम ऑफ सी ऑल्सो। और कुछ रॉक्स ऐसे भी होते हैं जो समुद्र के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जाने कि हमारा अर्थ किस चीज़ से बना है। हमारा अर्थ जो है उसका, हमारे अर्थ का आउटर लेयर जो है वह किससे मिलके बना हुआ है? वह रॉक्स एंड मिनरल से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे देखिए एक डेविस टाइम दिया हुआ है, इसको देख लीजिए क्या दिया है। द रेड फोर्ट इज ए बिल्डिंग मेड ऑफ रेड कलर्ड सैड स्टोन। ये किस चीज़ का डायग्राम है? ये देखिए, ये रेड फोर्ट का डायग्राम दिया हुआ है, और ये किस कलर का दिखता है? रेड कलर का दिखता है, और ये किससे मिलके बना हुआ है? रेड सैंड स्टोन से मिलके बना हुआ है। तो आपको इसको कलर करना है, तो ये किस कलर का दिखता है? रेड कलर का दिखता है। तो आप इसे किस कलर से करेंगे? रेड कलर से कलर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।